तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है। देखो, ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे देखो, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और इस टेलीस्कोप में टेलीस्कोप ऑफ 10-फोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो 10-फोल्ड का मतलब ये है कि जो मैग्निफिकेशन है, दैट इज मैग्निफिकेशन इज 10-फोल्ड, मतलब मैग्निफिकेशन एफ नॉट ऑब्जेक्टिव और आई पीस के सम के बराबर होता है। तो एफ नॉट इज इक्वल टू 10 टाइम्स एफ ई, ठीक है। लगभग लगभग देखो, ये वाली जो चीज़ है, ये इसका मीनिंग यही है यार, 10-फोल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। फोकल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो एफ नॉट प्लस एफ ई लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है, जो कि यहाँ से 44 है। बस सवाल हो गया, इन दोनों को सॉल्व। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एफ नॉट यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से एफ नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से 10 FE और प्लस FE, मतलब यहाँ से 11 FE इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से जो FE आ जाएगा वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आई हम सबको पता है कि आई पीस की जो फोकल लेंथ होती है वो कम होती है, ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा होती है। तो 10 FE, तो एफ नॉट आ जाएगा, अगर ये 4 आया तो एफ नॉट आ जाएगा 40, ठीक है ना। एफ आ जाएगा 40, इसका मतलब ये हुआ कि अपना डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। थैंक यू।